हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हैशटैग क्रिएटिव आरती पोरवाल। दोस्तों, ICAR 2021 के सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा लेटेस्ट अपडेट अभी अभी आया है NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो सभी लोग जो बच्चे नए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मेरे चैनल पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आपको बता दूँ, आज हम बात करेंगे ICAR 2021 UG और PG दोनों एग्जाम्स की। सभी को मालूम है ICAR 2021 UG की आंसर की रिलीज़ हो चुकी है। अब इंतज़ार था सिर्फ रिज़ल्ट का, और PG की आंसर की अभी रिलीज़ नहीं हुई थी, लेकिन अभी अभी नोटिफिकेशन आ गया है। NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिक नोटिस रिलीज़ हो गई है, और PG की जो है आंसर की, प्रोविजनल आंसर की रिलीज़ कर दी गई है। आप देख सकते हैं इस नोटिफिकेशन को, NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आया है। और ₹200 का आप देकर एक क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, जो कि नॉन रिफंडेबल है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, ऑब्जेक्शन है, तो पर क्वेश्चन जो चैलेंज आप देंगे वो ₹200 का होगा, और इसकी डेट है 5 अक्टूबर तक। तो दोस्तों, ये PG के लिए हो गया, ICAR PG की आंसर की रिलीज़ कर दी गई है। तो बहुत ही जल्द आप कह सकते हैं 10 अक्टूबर के अंदर ही अंदर आपका रिज़ल्ट भी आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं ICAR UG की। तो UG की आंसर की रिलीज़ हो चुकी है, रिज़ल्ट आपका किसी भी वक्त NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ सकता है। डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है, लेकिन अभी अभी पता चला है सूत्रों के हवाले से कि आपका रिज़ल्ट आज से लेकर कल तक अनाउंस कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपका रिजल्ट 5 अक्टूबर डेट बोली गई है, यानी आज रात में या कल 5 अक्टूबर को ICAR UG का रिजल्ट आ जाएगा, और ICAR PG का रिजल्ट उसके बाद आएगा, यानी 10 अक्टूबर को। तो ये दोनों लेटेस्ट अपडेट आपको देनी थी। तो जल्दी से चैनल से जुड़े रहिएगा, ताकि जैसे ही रिजल्ट आए या कोई भी अपडेट इसके रिगार्डिंग आती है, तो सबसे पहले आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। थैंक यू।